क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पता है आपको कि कैसे यूज करते हैं और कहाँ यूज करना पड़ता है? नहीं आता आपको। जैसे आपके पास इस टाइम पर अभी फाइव बच्चे हो, ठीक है, सबको क्या किया मैम ने, टू टू कैंडी दी, और आपसे मैम ने पूछा है कि टोटल मेरे को मैंने कितनी कैंडी दी, तो आप क्या करोगे, इन सबको आपस में ऐड कर दोगे, ठीक है, 10 कैंडी बांटी मैम ने, ठीक है। अब लेकिन यहाँ तो केवल पांच बच्चे हैं, फाइव है, हो सकता है 500 बच्चे हों, सबको इक्वल इक्वल कैंडी दी गई है, ठीक है। इतना हम क्या करेंगे, इतना हम बार बार प्लस ना करते हैं ना, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। मल्टीप्लाई का यूज कैसे करते हैं, सपोज कीजिए मैडम ने कितनी दी, 2 कैंडी दी, ठीक है, और कितने बच्चों को दी, 40 बच्चों को दी, ठीक है, 2 कैंडी हर बच्चे को मिली और कितनों को मिली, 40 बच्चों को, तो 2 या तो हम 2 कैंडी को 40 टाइम्स आपस में प्लस करें, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 40 स्टूडेंट्स को हमने दिए हैं और 2 कैंडी दिए हैं, तो टोटल हमने कैंडी कितनी दी, 80 कैंडी। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन इसमें शर्त ये रहती है कि सभी बच्चों को इक्वल इक्वल कैंडी मिले, इसमें चीटिंग नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को 3 दी, किसी को 2 दी, किसी को 1 दी, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं चलता है। कब मल्टीप्लाई कब होगा, जब सभी बच्चों को इक्वल इक्वल कैंडी दी गई, और यदि सब बच्चों को अलग अलग कैंडी दी गई, किसी को 3 दी, किसी को 2 दी, किसी को 1 दी, किसी को 4 दी, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे उसको, एडिशन करेंगे उसका, ठीक है, क्यों, क्योंकि सब बच्चों को अलग अलग कैंडी दी जा रही है, और जब सब बच्चों को सेम कैंडी दी जाएंगी तो हम एडिशन की जगह क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। समझ में आया आपको कि मल्टीप्लाई का हम यूज़ कैसे करते हैं, आगे समझ में आपको, जब हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है तब हम एडिशन ना करके उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहती है कि सभी बच्चों को इक्वल इक्वल कैंडी दी जाए, या जिसको जो भी चीज़ दी जाए सबको इक्वल इक्वल दी जाए, ठीक है। जैसे आपके पास कैंडीज आती हैं, एक कैंडी में 100, एक जार में 100 कैंडी आती हैं, तो सब में 100 100 है। यदि हम कहें कि एक जार में कितनी कैंडीज है, 1 जार में कितनी कैंडी है, 100, 8 जार में कितनी कैंडी बैठेंगी, या तो हम 100 100 को 8 टाइम प्लस करें, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 8 जार्स हैं, 100 कैंडीज हैं, इसका मतलब टोटल 8 जार में कितनी कैंडीज हो गई, 800। समझ में आया आपको। चलो बच्चों अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। टोटल कितनी कार्स हैं, 8 कार्स हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपसे कितनी रो बनाई हुई है, 2 रोज हैं, 1 रो एंड 2 रो। 1 रो में कितनी कार है, 1 2 3 4। सेकंड रो में भी कितनी कार है, 1 2 3 4। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दोनों रो में कार कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में तो 4 है और एक में 5 है, तब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ओके। तो दोनों रो में कितनी कितनी कार्स हैं, 4 कार्स हैं। तो आपके पास अब दो मेथड हैं, या तो आप 4 + 4 कार इज इक्वल टू 8 कार्स भी कर सकते हो, ठीक है, या आप कैसे कर सकते हो, एक रो में कितनी कार्स हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो 4 2 = 8, ठीक है, दोनों से आंसर क्या आएगा, दोनों से आंसर सेम है, ओके। समझ में आया आपको, या तो केवल 2 रोज थी, ऐसा भी हो सकता है 20 रोज होती, तो आप क्या करते हैं, 4 को 20 टाइम्स तक प्लस ही करते रहते, नहीं करते ना, तो हम क्या करते, एक रो में कितनी कार है, 4, और टोटल रो कितनी है, 20, तो टोटल कार्स कितनी हो गई, 80। अब तो हमने एक सेकंड में निकाल दिया इसका आंसर, लेकिन यदि हम प्लस करते तो हमें कितना टाइम लग जाता है ना, इसलिए बाबू मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, ओके।